क्षेत्र के एक अधिवक्ता ने सरकारी चकमार्ग पर दबंगों द्वारा किए जा रहे कब्जे की शिकायत जिला अधिकारी से की है और चकमार्ग को कब्जे से मुक्त कराने की मांग की है। जिला मुख्यालय जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद इस अधिवक्ता का नाम अनिल बाबू दीक्षित है। अधिवक्ता अपने साथी अधिवक्ता माधव दीक्षित के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने एक शिकायती पत्र दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि क्षेत्र में सरकारी चकमार्ग है, उसके पास ही उनकी जमीन है। गाँव के दबंग सरकार समेत उनकी काटा संख्या की जमीन पर भी कब्जा कर रहे हैं। इस बात की शिकायत कई बार उनकी ओर से थाने पर दी जा चुकी है, जिलाधिकारी को भी दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक शिकायती पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दबंग जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाते हुए शिकायती पत्र दिया है और क्या कुछ कहते नजर आए, जरा आप भी सुनिए। क्या मामला है? मामला ये है कि एक बेवर में कुछ दबंग लोग हैं, उन्होंने चकमार्ग जो है सरकारी चकमार्ग 1602 नंबर है बेवर ग्रामीण का, उस पे प्लॉटिंग कर दी कब्जा करके। इसके बाद जब उस पे चकमार्ग पे कब्जा हुआ, जब गवर्नमेंट ने उसकी जमीन नहीं छुड़वाई चकमार्ग की, इस बाबत शिकायतें रिव्यू SDM साहब को भी इस मामला पे संज्ञान में है। तो जब वो इसकी हमने जनसूचना पोर्टल पे भी दिया था, लेखपाल महोदय ने क्या किया, उनके आके मतलब जो है वो कह दिया एक झूठी रिपोर्ट लगा के कि हाँ यह सब चकमार्ग खुल गया, लेकिन मौके पे नहीं खुला है। इसके बाद जो है उन दबंग लोगों ने क्या किया, मेरे गाटा नंबर 1611 1613 1616 पे हम एक मेरा नंबर है, एक वकील साहब का नंबर है, हम अधिवक्ताओं का नंबर है, और उन्होंने उस नंबर पे आके प्लॉटिंग शुरू कर दी है, न्यास भर दी है। मैं लगातार SDM साहब से कह रहा हूँ, मैंने कहा पैनल बना दो, पैनल नहीं बनने सुन रहे हैं। वो चूंकि दबंग है, चकमार पे कब्जा कर चुके हैं, गवर्नमेंट उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है, इसलिए वो उनका बन गया कि अब अधिवक्ताओं की जमीन पे जो है प्लॉटिंग करने लगे, किसी बेच रहे हैं, किसी जमीन दिखा रहे हैं, हमारी जमीन दिखा के दूसरी जमीन दिखा के अवैध कॉलोनियां बसा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? मेरा केवल इतना कहना है कि चकमार जो है सरकारी जमीन, हमारी जमीन है, हम मुकदमेबाजी कर लेंगे, सारी कर लेंगे, लेकिन जो सरकार की जमीन है 1610 घाटा संख्या, अगर वो घाटा संख्या चकमार्ग अगर खुल जाएगा तो उससे जो भी स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी, हमारा केस भी सेफ हो जाएगा। सरकार अपनी जमीन नहीं बचा रही है, वो दबंगों को मतलब जो है कब्जा करा रही है लगातार। चकमार 1610 बेवर ग्रामीण में है।